बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। सीएम ने कई विकास कार्यों की दी सौगात। 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदली है। सीएम ने कहा यूपी में कोई माफिया सिर उठाकर नहीं चल सकता। तो आपको बता दें कि आज गोरखपुर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर कुछ कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। सीएम की तरफ से कहा गया कि आज माफिया सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदली है। यूपी में कोई माफिया सर उठाकर नहीं चल सकता। यूपी में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े बयान कहे गए। माफियाओं का इलाज सरकार के पास है। और आज उत्तर प्रदेश विगत 6 वर्ष के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ, अपने एक नए क्लेवर के साथ दुनिया के सामने है। 2017 के पहले अपनी बदतर कानून व्यवस्था, हर दूसरे तीसरे दिन होने वाले दंगे, शासन की विकास की परियोजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार, न गांव सुरक्षित न बेटी सुरक्षित, हर ओर अराजकता का जो तांडव था, आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है, और कोई गुंडा कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है, जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है, जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है, उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी।